गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो आज हम एक और नई जर्नी के साथ आपके समक्ष उपस्थित है ईवी के लिए। और आज मैंने ये सोचा है कि हम हर बार एफिशिएंसी लाने की ट्राई करते हैं। आज कुछ ऐसा करेंगे कि नॉर्मल जो आईसी इंजन वाली गाड़ी होती है उस हिसाब से पूरा ड्राइव करेंगे और इन द एंड लास्ट में क्या रिजल्ट आता है वो मैं आपको बताऊंगा। और तकरीबन 75% हाईवे की ही ड्राइविंग है आज की डेट में हमारी। ट्रिप मीटर हमने आप देख सकते हो जीरो कर दिया था। घर से हमने 100% बैटरी को चार्ज करके अभी रेंज दिखा रही है 241 किलोमीटर। दोपहर के बाद मैं कंपनी से निकलूंगा और अपनी ये जर्नी कंटिन्यू करेंगे। सो फिलहाल हम अभी आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। टाइम हुआ है 5 बजे, हम निकले थे यहाँ अपनी कंपनी से और यहाँ से बोडेली का डिस्टेंस है 358 किलोमीटर। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि रोड का काम चालू है। 2-3 वीडियो में भी बात हुई थी हमारी स्पीड 77। ये हमने तय किया हुआ है कि आज इसको नॉर्मल गाड़ी की स्पीड से ही चलाएंगे, उससे थोड़ा कम रखेंगे। वो तो तकरीबन 100 तक खींच लेते हैं हम एवरेज स्पीड उसकी, बट इसमें थोड़ा कम रखेंगे, 80-70 के बीच में ही रखेंगे। फिर देखते गए कि क्या हमको रेंज मिली है, कितनी बार चार्ज करना पड़ा और पर किलोमीटर क्या कॉस्ट आई है। 72% बैटरी हुई है गाड़ी में और यहाँ से हम चार्जिंग का ऑप्शन मिलेगा हमको तकरीबन 9 किलोमीटर आगे। स्टैटिक का चार्जर है सर जाडेजा होटल पे। अहमदाबाद भी पहुँच जाती है गाड़ी, बट उसको हम सही स्पीड से चलाए तो, अगर मान लो मैं अभी 80-85 इसी स्पीड पे चला रहा हूँ हाईवे पे, तो मुझे नहीं लगता कि अहमदाबाद पहुँचेगी गाड़ी हमारी। इस वजह से सोचा कि यही स्टैटिक के चार्जर पे टॉप अप ले लेते हैं 100%, फिर यही स्पीड से कंटिन्यू करेंगे और वहाँ पे अहमदाबाद जितना चार्जिंग होगा उतना करके फिर आगे बड़ौदा निकल जाएंगे। और बड़ौदा से भी हमें आगे और 68 किलोमीटर जाना है। सो देखते हैं, अभी यहाँ तक पहुँचने में मेरे हिसाब से 66% तक तो बैटरी चली जाएगी अपनी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा चार्जिंग होने में। थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, चाय पानी कर लेंगे, तब तक गाड़ी हमारी चार्ज हो जाएगी। ये जो जर्नी हमारी है 368 किलोमीटर की आज के दिन की, इसमें फिलहाल जो रास्ता हमारा ये है, इसमें अहमदाबाद तक तो 3 टोल आते हैं, तीनों के तीनों फ्री है प्राइवेट व्हीकल के लिए। और अहमदाबाद से बड़ौदा हम एक्सप्रेस हाईवे लेंगे, उसमें हमको 130 रुपये समथिंग टोल देना पड़ेगा, यानी कि 380 किलोमीटर में हमें कुल मिला के टोल सिर्फ 130 रुपये ही देना पड़ेगा। अगर वैसे गाड़ी को ज़्यादा रफली ना चलाऊँ तो सिंगल चार्ज करके भी ये डिस्टेंस में कवर कर सकता था, बट आज थोड़ा स्पीड में गाड़ी चलाना था इसलिए बार बार हमें चार्जिंग के लिए भी रुकना पड़ेगा। यहाँ करेंगे, फिर अहमदाबाद करेंगे, उसके बाद बड़ौदा भी करके ही घर पे जाएंगे। सो आ गया हमारा ये चार्जिंग स्टेशन। ये आप देख सकते हो लोकेशन यहाँ की। काफ़ी सारे ऑप्शन है खाने पीने के भी और थिएटर भी है, अगर ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है तो मूवी वूवी देख के भी आप आगे बढ़ सकते हो। और ये स्टैटिक का चार्जर है, देख सकते हो काफ़ी इजी प्रोसेस है चार्जिंग का यहाँ पे स्टैटिक के चार्जर पे। 68% पे हमने लगाई है गाड़ी को चार्ज करने के लिए।
88% गाड़ी हमारी चार्ज हो गई है। अगर आपने पिछला वीडियो अगर मेरा नहीं देखा है तो एक बार जाके वो देख ले लीजिएगा, क्योंकि वो सर्विस वाला वीडियो था, मेरी फोर्थ सर्विस थी जो, और उसमें कुल मिला के जो खर्चा आया है वो आया था 826 रुपीस। तकरीबन यहाँ पे प्रति यूनिट कॉस्ट हमारी बैठी हुई है 24.75 रुपये चार्जिंग के, और दो बार हमने चार्ज किया क्योंकि बीच में 91% पे अपने आप चार्जिंग स्टॉप हो गया, तो फिर वापस हमने लगाया था चार्जिंग पे। और अभी आप देख सकते हो 100% गाड़ी चार्ज कर ली है, 242 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है, और वॉट आर है हमारा 108। पिछले 40 किलोमीटर से हमने जो गाड़ी 80 की स्पीड पे चलाई है उसमें वॉट आर को हम 114 से 108 तक नीचे लेके आए हैं। 80 की स्पीड पे हमने क्रूज डाला हुआ है, आप देख सकते हो वॉट आर भी 107 दिखा रहा है, और 9% बैटरी भी हमने कंज्यूम कर ली है अब तक। और ये लाइट का, हेडलाइट का आप थ्रो देख सकते हो, अभी फिलहाल लो बीम है ये, अभी इसको देखते हैं हाई बीम पे कैसा करता है। देख लीजिए ये हाई बीम है, ये लो बीम है। बल्ब चेंज करने के बाद हाईवे ड्राइविंग का मजा ही कुछ और हो जाता है, क्योंकि जो रनिंग ईवी के साथ बल्ब आते हैं उसका लाइट का थ्रो प्रॉपर नहीं है, कुछ दिखता ही नहीं है। अगर मान लो सामने से लाइट आ रही है तो आपको कुछ दिखने वाला है। बैटरी हमने कंज्यूम कर ली है, और आप देख सकते हो अहमदाबाद बाईपास पे हम पहुंच गए हैं। 600 मीटर की दूरी पे ही हमारा चार्जिंग स्टेशन है, यहाँ पे टाटा पावर का चार्जिंग स्टेशन है, इंडियन ऑयल का जो पेट्रोल पंप है इधर ही। अभी 41% पे हमने गाड़ी को चार्ज पे लगा दिया है यहाँ पे, और यहाँ पे खाने का भी ऑप्शन है जय भवानी करके पेट्रोल पंप पे, आप देख सकते हो अभी चार्जिंग हमारी शुरू है। 0.3 किलोवाट गाड़ी ने चार्ज भी ले लिया, 42% बैटरी चार्ज हो गई है, 98% गाड़ी चार्ज हो गई है अपनी। पहले टाटा पावर के चार्जिंग में दिक्कत होती थी डिसकनेक्ट करने के लिए, बीच में से आप डिसकनेक्ट नहीं कर सकते थे, एक बार लगाया तो फिर 100% चार्ज करके ही डिसकनेक्ट होती थी। अभी मैंने 98% पे डिसकनेक्ट किया है तो हो गई है, तो ये प्रॉब्लम तो रिजोल्व हो गया है। 99% गाड़ी हमारी चार्ज हो गई है यहाँ पे, और चार्जिंग की डिटेल आप स्क्रीन पे देख रहे हो। टाटा पावर के चार्जिंग स्टेशन पे जो हमने चार्ज किया था उसमें पर यूनिट प्राइस वही आया है जो स्टैटिक का था, ऑलमोस्ट 25 रुपये के आसपास ही प्राइस पड़ता है प्रति यूनिट टाटा पावर का। बड़ोड़ा में एंटर हो गए हैं अभी, और यहाँ हम टॉप अप लेके ही आगे जाएंगे, वैसे तो पहुँच भी जाएंगे, बट जहाँ हम जा रहे हैं बोडेली वहाँ पे घर पे स्लो चार्जिंग का थोड़ा इश्यू रहता है कभी कभी, कभी होता है कभी नहीं होता है, सो इस वजह से थोड़ा टॉप अप करके जाए तो सही रहेगा। और यहाँ जो
चार्जिंग हम करेंगे वो डीसी फास्ट चार्जर है, चार्ज जो है। जस्ट सामने ही है गैलेक्सी तक्स मॉल, यहाँ पे चार्ज जोन का डीसी फास्ट चार्जर है। रात को यहाँ पे नो एंट्री हो जाती है, बट चार्जिंग के लिए तो शायद ओपन रहता होगा। चार्जिंग के लिए खोल रहे हैं, बाकी आम गाड़ियों के लिए एंट्री बंद है। की भी चेक करते हैं। चार्ज जोन पे हमने गाड़ी को चार्ज कर लिया है, 80% गाड़ी को चार्ज कर लिया है। सो अब यहाँ से वापस जाते हैं। अस्सी परसेंट गाड़ी चार्ज हो गई है और यहाँ पे प्रति यूनिट जो हमारी कॉस्ट बैठी है चार्जिंग की वो तकरीबन 23.5 से 24 रुपए के आसपास है। स्क्रीन पे देख सकते हो स्क्रीनशॉट। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो मैं मोटिव होगा ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए। तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। टियागो ईवी के रिलेटेड आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी जानकारी चाहिए, पूछना हो तो आप सवाल कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं उचित जवाब देने का प्रयास करूंगा। ये जो रास्ता है ये दिन में भी इतना खूबसूरत है और रात में भी आप देख सकते हो रोड के दोनों साइड पेड़ लगे हुए, पेड़ की फॉर्मेशन में क्या खूबसूरत दिखता है रास्ता। नाइट में भी इसकी ब्यूटी अलग दिखती है और दिन में भी अलग ही दिखती है। बोडेली में एंटर कर चुके हैं जहाँ पे हमें जाना था और आप देख सकते हो ओडोमीटर में 51% बैटरी बची हुई है और कुल मिला के 377 किलोमीटर गाड़ी हमने चला ली है और यहाँ से 1 किलोमीटर और बढ़ जाएगा, यानी कि 378 किलोमीटर गाड़ी आज के दिन में हमने चलाइए। और बाकी जो चार्जिंग की डिटेल है और कुल कितने टोटल कितने परसेंटेज हमने गाड़ी चलाई है वो सब मैं आपको बाद में कैलकुलेट करके बताऊंगा इसी वीडियो में। तो आज के लिए शुभ रात्रि, कल दिन में मैं आपको कैलकुलेट करके इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा। गुड मॉर्निंग गाइस। वैसे कल नाइट में देरी से हम पहुंचे थे तो आज थोड़ा हिसाब किताब कर लेते हैं। 378 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने में हमने कितने परसेंटेज बैटरी कंज्यूम की है। सो शुरू से शुरू करते हैं। घर से हम निकले थे 100% चार्ज करके। सो वहां से हम धांगध्रा पहुंचे तो वहाँ तक पहुँचने में 33% बैटरी हमने कंज्यूम की थी। उसके बाद वहाँ से गए अहमदाबाद, वहाँ भी हमने डीसी फास्ट पे चार्ज पे लगाया था। सो वहाँ पे 50
9% बैटरी हमारी कंज्यूम हुई थी। और वहाँ से चार्ज करके बड़ौड़ा गए, और बड़ौड़ा पहुँचते पहुँचते 61% बैटरी हमने कंज्यूम कर ली थी। और उसके बाद बड़ौड़ा से बोडेली पहुँचे, वहाँ तक पहुँचने के डिस्टेंस में हमने 30% बैटरी कंज्यूम की थी। तो कुल मिला के 182% हमने बैटरी कंज्यूम की 378 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में। उसके बाद हम देखते हैं, जो हमने डीसी फास्ट चार्जिंग किया था तो वो डिटेल तो मैंने आपको दे ही दी है साथ में, अभी भी डिस्कस कर लेते हैं। घर से हम चार्ज करके निकले थे तो मान लो वो 190-96 रुपये के आसपास पड़ता है मेरे को। उसके बाद जो धंगध्राम हमने चार्ज किया था डीसी फास्ट चार्जर का, स्टेटिक का चार्जर था, वहाँ पे हमने कुल मिला के 197 रुपये पे किए थे। उसके बाद आते हैं अहमदाबाद, जहाँ पे टाटा पावर का डीसी फास्ट चार्जर था, वहाँ पे हमने 301 रुपीज़ पे किए थे। उसके बाद देखे तो बड़ौड़ा हमने लास्ट बार चार्ज किया था, तो वहाँ पे हमने 142 रुपीज़ पे किए थे। तो कुल मिला के जो चार्जिंग का खर्चा बैठता है, जो घर पे किया हमने और बाहर किया, उसका होता है 830 रुपीज़। और उसको उसमें भी जब हम बोडेली पहुँचे थे तो 50% बैटरी कार में फिर भी बची हुई थी। अगर मान लो जो हमने बाहर चार्ज किया था उसमें 50% का रुपये में कन्वर्ट करें तो 250 रुपये के आसपास बैठता है। तो 830 रुपीज़ में से हम 250 मान लो बात भी कर लेते तो मोटा मोटा जो हमारा फिगर बनता है वो बनता है 580 रुपीज़। तो कुल मिला के 580 रुपीज़ में हमने 378 किलोमीटर कवर किए हुए इस जर्नी में। को ये वाला व्लॉग इंफॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।